लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सोना डिपार्टमेंट स्टोर बंबई के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने स्टोर में इस फिल्म की शूटिंग करने की इजाजत दी, लेकिन इस कहानी के तमाम करदार फर्जी हैं और सोना स्टोर के मैनेजमेंट से किसी भी करदार का कोई ताल्लुक नहीं। बस ये अंगूठी है, करीब एक तोले। लगेज ये क्या है? अगर रंगून का पिक्चर पोस्टकार्ड। मिस्टर वर्मा, अभी अभी पुलिस से खबर आई है कि उस आदमी का ध्यान रखो जिसके हाथ में नीलम की अंगूठी हो और रंगून के पिक्चर पोस्टकार्ड हो। क्या कहा गया? मेरे पिक्चर पोस्टकार्ड से पुलिस खाम खाम उसे छीन लेना चाहती है। आप थोड़ी देर के लिए इन्हें छुपा लीजिए, मैं बाद में ले लूंगा। आपने अभी भी किसी आदमी को यहां से भागते हुए देखा? आदमी हाँ? नहीं। इन झोपड़ों की तलाशी लो। Thank you.
सुबह से लेटे लेटे तंग आ गई थी बेटी। डॉक्टर ने काम करने को मना किया था ना। ये डॉक्टर लोग तो यू ही डराते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। काम बना बेटी? नहीं माँ। तू तो यूं ही जिद करती रहती, ये काम क्या बुरा है बेटी? दो वक्त की रोटी तो मिल जाती है। सुबह से शाम तक काम करो तो दो ढाई रुपए मिल जाते हैं। अगर टोकरियां ही बनानी थी तो मुझे पढ़ाया क्यों था? दिन रात मेहनत क्यों की थी? ना मैं पढ़ती ना तुम बीमार होती। पगली, ऐसा नहीं सोचती। अगर तेरे बाबूजी होते तो क्या तुझे ना पढ़ाते? मैं तो सिर्फ पढ़ा सकी, और कौन सा सुख दिया है मैंने तुझे? ना अच्छा पहनाया ना अच्छा खिलाया। अगर तेरे बाबूजी होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। माँ मुझे माफ कर देना बेटी। ऐसा ना कहो माँ, मेरे जिस्म का रोम रोम तेरा शुक्रगुजार है, मेरी हर सांस पे तेरा एहसान है। मगर मैं तेरे लिए कुछ भी न कर पाई माँ, कुछ भी नहीं। तू मेरी चिंता न कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, बिल्कुल ठीक हूँ। जा जा खाना खा ले। रीता ये तुम्हारी चिट्ठी, डाकिया गलती से हमारी खोली में छोड़ गया था। कैसी तबीयत है माँ जी? ठीक हूँ बेटी। इंटरव्यू के लिए बुलाया है। भगवान करे तुझे नौकरी मिल जाए। माँ माँ अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तेरे लिए इंजेक्शन दवाइयाँ सब खरीद लाऊंगी, तुझे मिनटों में अच्छा कर लूंगी, और फिर तुझे कभी टोकरियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी, कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मेरी अच्छी बेटी। आपकी टाइपिंग बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत चीजें मुझे बहुत पसंद है। देखिए जान में भी दाग होता है लेकिन आपकी टाइपिंग में तो कोई मिस्टेक नहीं है, और अगर जरा सा हो भी तो क्या हुआ? एक अच्छे सेक्रेटरी के लिए अच्छी पर्सनैलिटी का होना, अच्छा मिजाज होना, अच्छा तबीयत होना बहुत जरूरी है, बाकी चक्कर तो यूं चलता है। मैं आपको इन्हीं क्वालिटीज पर रिकमेंड कर रहा हूँ। कोयना रिलीफ फंड का चैरिटी बॉल आज है ना? यस सर। ये चेक चीफ मिनिस्टर को मैं खुद दूं। ये क्या, ये 5,000 का है क्या? अनपढ़ लोगों को पढ़ाने के लिए। ओह नो नो, अभी पिछले साल ही तो मैंने इन्हें चंदा दिया है। अनपढ़ों को ज्यादा तालीम देने से मुल्क में हड़तालें बढ़ती हैं। कैंसिल। भेज दो। आज रात 9 बजे मर्चेंट स्टेशन का जलसा है, वहाँ आपको सभापति का एड्रेस पढ़ना है। एड्रेस तैयार किया तुमने? यस सर, मैं दिला देती हूँ। ये ऑर्फनेज का फंक्शन फिर से आ गया? अभी अभी तो मैंने इन्हें चंदा दिया है, कुछ दिन ही तो हुए। जी नहीं, वो लास्ट ईयर था। आप यहाँ हर साल 10,000 रुपए देते हैं। ठीक है, यतीमों की मदद करनी चाहिए। एड्रेस ले आओ। यस गुड आफ्टरनून सर। मिस रीता मेहरा। यस सर। प्लीज सिट डाउन। बीए पास हो तुम? जी। गुड, तुम्हें पहले 400 रुपए महीना मिलेगा, तुम मेरी सेक्रेटरी की असिस्टेंट होगी। लेकिन एक बात याद रखो, ईमानदारी और वफादारी हमारे फर्म का असूल है, और यही तवक्को मुझे तुमसे। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वेरी गुड, जा सकती। थैंक यू सर। कल से तो खांसी रुकती ही नहीं, सारी रात नहीं सो सकी। मिक्सचर पी थी? जी, एक खुराक बाकी है। खत्म होने पर और ले आइए। अच्छा अच्छा माँ जी, मैं चलूँ। जरा इधर आइए। कल इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अस्पताल? क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, एक्सरे लेना पड़ेगा। एक्सरे? हाँ ये बहुत जरूरी है,
मैं डॉक्टर मेहता के नाम चिट्ठी लिख दूंगा। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। रीता, रीता, क्या मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा? तू आंखों से ओझल हो जाएगी, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा मत बोलो। माँ जी आराम कीजिए, डॉक्टर ने तो सिर्फ एक्सरे के लिए कहा है। एक्सरे के लिए भी तो पैसों की जरूरत होती है। अभी बेचारे की नई नई नौकरी लगी है। तू दिल छोटा न कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। सर yes. मैं कहना चाहती थी, मेरा मतलब है मेरी माँ बीमार है, बहुत बीमार है। oh. अगर आप मुझे थोड़ा एडवांस दे सके। मिस रीटा, हमारे फर्म के रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हर महीने की पहली तारीख तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे टेबल पे पहुंच जाएगी, पर नो एडवांस। सर राजपाल का फोन। राज, कहां हो तुम बेटा? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मुझे तुम्हारा घर से बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं। दो रातों से तुम घर वापस नहीं आए, कहां हो तुम? कामाइकल रोड से बोल रहा हूं, निसार मर्चेंट की यहां से। डैड, डैड मैं जरा उलझन में फंस गया हूं। डैड लग साथ नहीं दे रही, लगातार हारता चला जा रहा हूं। अब आप ही बताइए, ताश में हारे हुए पैसे दिए बगैर घर कैसे आ सकता हूं? और डैड सोचिए लोग क्या कहेंगे, सेठ सोहनलाल का बेटा। वैसे तो बहुत नाम रोशन कर रहे हो अपने बाप का। अभी पिछले हफ्ते ही 25,000 रुपए हार चुके हो रेस में और आज ताश में। मैं पूछता हूं ऐसे कैसे चलेगा? आई एम सॉरी डैड। कितने रुपए चाहिए? 12,000। डैड मैं आपको बहुत दुख पहुंचाता हूं ना। आप कमाल पगला कहीं का, मुझे तुमसे कैसे दुख पहुंचेगा बेटा। थैंक यू डैड, यू आर अ डार्लिंग। ओके ओके। मिस परेरा, ये चेक कैश करा के राज को पैसे भिजवा दो। लेकिन बैंक बंद हो चुका सर। कोई बात नहीं, मैं मैनेजर को फोन किए देता हूं, राज को रुपए मिल जाने चाहिए, वरना वो आज भी घर वापस नहीं आएगा। लो। सोडे के बगैर विस्की ऐसी लागे सेठ जी, जैसे बिना चश्मे के बूट और बिना टाई के सूट। विस्की साली पानी में पियो तो अपन को ऐसा लगे जैसे बिल के साथ कोई 7% सेल टैक्स जोड़ दिया हो। तुम्हें तो जानो सेठ जी, आजकल धंधों में धरो क्या छे, कमाई तो नाम की होवे है, खाली इधर उधर से जो बचा लो बच जाओ। सेठ जी आप बिल्कुल ठीक कहते हो, बिना इन चक्रों के दुनिया का चक्कर चल ही नहीं सकता। आप तो जानते हैं सेठ जी, मेरी फर्म का उसूल क्वालिटी है। 20 लाख के ऑर्डर पे 4 लाख का माल ही क्यों ना सप्लाई करूं, लेकिन जो माल देता हूं क्वालिटी का देता हूं। जानू सु सेठ, जानू सु, अपन भी धंधा चाहे कम करूं पर करता हूं तो टॉप क्वालिटी का। हाँ, अपन को धंधे में खोट, गर्मियों में कोट और बिना लिपस्टिक कोट बिल्कुल पसंद नहीं। मुंशी जी तुम्हें तो जानो, इस बार मेरी सेक्रेटरी मेरे संग नहीं आई। तुम्हें कल एक बार कोई स्टीनो तो दो, 1 घंटे के लिए भेज दो, जरूरी काम छे। सेठ मुरलीधर जी, आपके प्राइवेट काम की फिक्र आपसे ज्यादा हमको है। घबराइए नहीं, ऐसी स्टेनो भेज दूंगा कि उसकी स्पीड आप पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ। कोई नहीं पकड़ेगा, अवर सेलेक्ट को कोई नहीं पकड़ेगा, चाहे पवन दूत हो चाहे त्वरित। आ गए तुम, आज तो तुम ऑफिस आने वाले थे। डैड मैं तो बिल्कुल भूल गया, मैं कल सुबह आपके साथ चलूंगा। ओके, अच्छा मैं जरा। ठहरो ठहरो, इनसे मिलो, इनका हमारे फर्म के साथ बहुत सा कारोबार है। सेठ मुरलीधर, ये मेरा बेटा राज। अच्छा डैड मुझे जरा ऊपर जाके मैं स्टडी करूंगा ये। सेठ मुरलीधर हमारे बड़े ही पुराने ग्राहक हैं, सूरत की नहायत ही मालदार आसामी हैं, होटल शिराज में ठहरे हैं। न मालूम क्या वजह है अब के वो अपने सेक्रेटरी को नहीं लाए। तुम यूं करना रेटा, शाम को 7 बजे तुम उनके यहाँ चले जाना।
शाम के 7 बजे? हाँ, आज से तुम्हारी ड्यूटी उन्हीं के साथ रहेगी। लेकिन देखो, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम्हारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नहायत ही सुनहरी मौका है। अगर तुमने सेठ जी को खुश कर लिया तो मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा इसी महीने तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? यानी ये मुझे बतलाना होगा कि एक सेक्रेटरी को क्या करना चाहिए। यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि तुम शेर जी को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दोगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। गुड, वेरी गुड। कम इन। गुड इवनिंग सर। सोहन लाल के पसंद का तो जवाब नहीं। बड़ी देर से इंतजार करूं सु। तभी बसे जाओ, बसे जाओ, बसे जाओ। क्या लोगे? विस्की, बियर, जिन? मैं डिक्टेशन लेने आई हूँ। अरे डिक्टेशन के लिए तो सारी रात पड़ी लिखे, इतनी भी जल्दी क्या है डिक्टेशन की? लो। मैं नहीं पीती। हाँ? नहीं पीती? कोई बात नहीं, अपन ही पी लेते हैं। दूसरे की माल हजम कर लेने की अपन सारी की आदत पड़ी ली थे। सेठ जी। हाँ बोलो। मेरी माँ बीमार है। हाँ? मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ। हाँ, अभी तो आई हूँ मेरी रात की रानी, अभी अभी तो आई हो। आप मुझे गलत समझा है। हाँ? मैं सेठ सोहनलाल की सेक्रेटरी रीता हूँ। अरे जानू छू, जानू छू। आज रात मैंने तुम सुंदर लागू छू। आओ, आओ मुरलीधर के पास आओ, आओ मुरलीधर के निकट निकट आओ। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी बेहुदा हरकत से हमारी कंपनी को जितना नुकसान पहुंचा है क्या तुम्हें उसका अंदाजा नहीं? मैंने तुम्हें मुरलीधर यहाँ इसलिए भेजा था कि तुम उसकी बेइज्जती करो। चाचा भारत के मुंह पे बेइज्जत करने की कोशिश मैंने नहीं की सेठ जी, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। और जानते हो तुम शर्म नहीं आई? तुम हमारी कंपनी के काबिल नहीं, जाओ अपना हिसाब चुकता करो। इतना अन्याय न करो सेठ जी, मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। असली गुनहगार तो सेठ मुरलीधर है जिसने मेरी इज्जत पे हमला करना चाहा। मैंने वही किया जो एक शरीफ लड़की को करना चाहिए था। जान लाख का माल लेने वाला बदमाश, और तुम शरीफ हो? यू आर जस्ट मैन, गेट आउट। आप ऐसा नहीं करेंगे, अभी तो मैंने काम शुरू किया है, अभी मुझे मेरी तनख्वाह भी नहीं मिली। मेरी माँ बाप बीमार है, उसका इलाज कैसे होगा? ये डिपार्टमेंट स्टोर है, खराबी अस्पताल नहीं। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मुझे मालूम है स्टोर में काम करने वालों की एक यूनियन है, मैं अपना केस यूनियन में दूंगी। गुड, वेरी गुड, तुम पास हो गए। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, हमारी कंपनी को तुम्हारी जैसी लड़कियों की जरूरत है। जाओ अपना काम करो, अब तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। आगे ये नई लड़की धमकी देकर गई है कि हमारे खिलाफ यूनियन में रिपोर्ट करेगी, जरा ख्याल रखना। फिकर मत कीजिए सेठ जी, मैं कोई चक्कर चलाता हूं। सेठ जी, आजकल हमारे स्टोर में चोरियां बहुत होने लग गई हैं, अगर किसी को चोरी के इल्जाम में धर लिया जाए तो 2 साल की छुट्टी हो जाएगी उसकी। लेकिन जरा ध्यान, घबराइया नहीं, सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी। गोली ले लो। अरे ये तो खत्म हो गई, कोई बात नहीं, मैं शाम को और लेती आऊंगी। गोलियों की कोई जरूरत नहीं बेटी, अब मैं ठीक हो गई हूँ। आग लगी इस नई बीमारी को, पीछा ही नहीं छोड़ती। अन्नी सी जान पर बोझा बनी बैठी हूँ, भगवान मुझे उठाता भी तो नहीं।
फिक्र मत कर माँ, तो जल्दी अच्छी हो जाएगी। मैं दवाई के लिए मीरा से पैसे ले जाती हूँ, तनख्वाह मिलते ही उसे लौटा दूंगी। अच्छा माँ, मैं जाऊँ? हाँ बेटी, तू जा, तुझे देर हो जाएगी, बारिश हो रही है, बरसाती रहकर जाना। अच्छा। अरे भाई जल्दी करो, लगता है आज फिर मुझे देर होने वाली है। बस हो गया, लो और राशन के लिए पैसे देते जाओ, आज आखिरी दिन है और घर में चावल बिल्कुल नहीं है। ये लो 10 रुपए, इसी में गुजारा कर लो। मीरा दीदी। हाँ रीता, काम पे जा रही है, तू फिक्र ना कर, मैं माँ को दवाई दे दूंगी। मगर दीदी गोलियां खत्म हो गई हैं और ओ, ले शाम को आते हुए दवाई ले आना। तुम सचमुच देवी हो दीदी, तनख्वाह मिलते ही तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। कर्ज की चिंता ना कर, तू नहीं जानती जब मैं बंबई आई थी तो मेरी हालत भी बिल्कुल तेरे जैसी ही थी। मुझे याद है जब मैं बीमार थी तो मेरे पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते थे। अब जब मैं तुझे कर्ज देती हूँ तो समझती हूँ अपने आप को कर्ज देती हूँ, उसी मीरा को जिसका नाम किस्मत ने आज रीता रख दिया है। सच कहती हो दीदी, हम गरीबों के नाम बदलते रहते हैं, किस्मत नहीं बदलती है। पर्स नहीं है। ये रेनकोट किसका है? मेरा। चला दिया ना चक्कर, चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने कोई चोरी नहीं की। तो क्या ये हार उड़कर तुम्हारी जेब में आ गया? इंस्पेक्टर साहब मेरे ख्याल में इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए। मैंने कोई चोरी नहीं की, इस हार के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। क्या बात है बांके? सेठ जी, इस लड़की ने ये हार चुराया है और पकड़ी गई। बहुत बुरी बात है ये। नहीं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने ये हार देखा तक नहीं। इंस्पेक्टर, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं सेठ जी, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, आप चाहेंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मैं गरीब जरूर हूँ सेठ जी, चोर नहीं, भगवान की सौगंध मैंने चोरी नहीं की। सेठ जी, सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मेरी माँ बीमार है, अकेली है, मैं जेल चली गई तो मेरी माँ मर जाएगी, मेरी माँ मर जाएगी। मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ सेठ जी, बेकसूर हूँ। रीता देवी, तुम्हें चोरी करने के जुर्म में 500 रुपए जुर्माना और 6 महीने कैद की सजा दी जाती है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में कैद की मियाद 1 साल होगी। तुमने दरख्वास्त की है कि तुम सेठ सोहनलाल से मिलना चाहती हो, अदालत तुम्हें जेल जाने से पहले पुलिस की हिरासत में मिलने की इजाजत देती है। यस सर, पुलिस इंस्पेक्टर मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर? यस सर। भेज सेठ जी, इसे नोटिस बोर्ड पे लगा दो ताकि दूसरों को सबक मिले। जी हाँ, मैं इसे रीड रूम और कैंटीन में लगवा देता हूँ ताकि स्टाफ को मालूम हो जाए कि चोरी के जुर्म में रीता को 1 साल की कैद हो गई। यस
तुम? जेल जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करता। आपके वफादारी और ईमानदारी के असूलों का मतलब नहीं समझे, वरना मुझे जेल न जाना पड़ता। आप लोग खुश हो रहे होंगे कि आपकी साजिश कामयाब हो गई है, लेकिन दिल ही दिल में आप जानते हैं मैं बेकसूर हूँ। मुझे जेल भेजकर आपने गुनाह किया है। आपका जमीर आप क्या बात की हो? इंस्पेक्टर जा रही हूँ सेठ सोहनलाल, एक साल के लिए जेल जा रही हूँ, लेकिन 12 महीने सारी जिंदगी नहीं होती। चलो। एक साल तक आप मुझे भूल जाए, लेकिन इस साल का एक एक पल मुझे याद रहेगा। और भगवान की सागर, मैं आपसे एक एक मिनट भी मत वसूल करूंगी, एक एक पल का बदला मांगूंगी, एक एक पल का बदला मांगूंगी। आज की ताजा खबर, एक लड़की चोरी करते हुए पकड़ी गई। आज की ताजा खबर, एक लड़की चोरी करते हुए पकड़ी गई। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। सलूक की वजह से तुम्हें 15 दिन पहले रिहा किया जा रहा है। थैंक यू सर। और हाँ, तुम्हारे घर से कोई आया था, कह रहा था तुम्हारी माँ बहुत सख्त बीमार है। माँ? हाँ। यस जेल सुपरिटेंडेंट साहब, रीटा नाम की लड़की रिहा होने वाली थी। हाँ, आज ही रिहा हो गई। आज ही रिहा हो गई? जी हाँ, अभी भी गई। तेरे इंसाफ में बहुत विश्वास था, बहुत श्रद्धा थी तेरे लिए। तूने सारी जिंदगी उसे कोई सुख नहीं दिया, वो फिर भी तेरी पूजा करती रही। आज उस विश्वास, उस श्रद्धा को मैं जलाई हूं। आज वो रीता मर गई है, जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दुनिया के आगे रोई थी, चिल्लाई थी, तुम्हारे नाम का वास्ता दिया था। आज दूसरी रीता ने जन्म लिया है, जो इस फरेबी दुनिया का आप मुकाबला करेगी। आज के बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं इस दुनिया से अकेली लड़ूंगी, अकेली बदला लूंगी। बदला लेना इतना आसान नहीं,
दुनिया बहुत बड़ी है, इसके टेढ़े मेरे रास्तों में अकेला इंसान तो यूं ही गुम हो जाए। आप कौन हैं? शायद तुम्हें याद नहीं, आज से एक साल पहले की बात है, तुमने मुझे पुलिस से बचाया था। सुनसान गली, अंधेरी रात, पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। हाँ, और मैंने उन्हें गलत रास्ता बताया था। हाँ, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम न मिली। बाद में ये मालूम हुआ कि चोरी के जुर्म में तुम्हें एक साल की सजा हो गई है। हाँ, मैं बेकसूर थी, लेकिन मैं चोर साबित कर दी गई क्योंकि मैंने अपनी इज्जत बेचने से इनकार कर दिया था। सोहनलाल ने एक साल के लिए मुझे जेल भेजा, उसने मेरी माँ की जान ले ली। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे फांसी क्यों न लग जाए। नहीं रिता, कानून से खेलना तुम्हारा काम नहीं। मैं चाहता हूँ कि सोहनलाल अपने ही जाल में खुद फंस जाए। मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे और जिंदगी उसे छीन ली जाए। वो सांस ले लेकिन उसकी हर सांस में आ हो, वो रोए चिल्लाए तड़पे लेकिन उसे तसल्ली देने वाला कोई ना हो। मगर आप, तुम्हारी तरह मुझे भी उसने धोखा दिया है और तुम्हारी तरह मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन रीटा, तुम मेरे बेटे की तरह हो, मुझ पर विश्वास करो। आज हम दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत है। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? कर सकती हो रीटा, याद है पुलिस से भागते वक्त मैंने तुम्हें एक चीज दी थी संभाल कर रखने के लिए? वो तो पिक्चर पोस्टकार्ड। हाँ, वही पिक्चर पोस्टकार्ड। कहाँ रखे थे मैंने? शायद इसमें हो। ये? हाँ यही है वो। अब तक मैं इसी के लिए परेशान था। जानती हो रीटा, बुजुर्ग कहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में होनी चाहिए। अब तक हमारे और सोहनलाल के दरमियान एक ऊंची और मजबूत दीवार थी, और वो थी दौलत। लेकिन अब वो दीवार नहीं रहेगी। ये देखो, इन हीरो को मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर स्मगल किया था, मगर सोहन ने पुलिस को खबर कर दी थी। इत्तेफाक से अगर तुम नहीं मिल जाती तो ये इंतकाम की आग सिर्फ हम दोनों को जलाती रहती, सोहन को उसकी आंच तक नहीं पहुंचती। लेकिन अब ये हीरे हमारी मंजिल की राह में कामयाबी के निशान बन जाएंगे। आइए आइए शेर जी, बंबई के इस नए कैसीनो ने पेरिस की रात को चक्कर में डाल दिया है। आइए। शेर जी, कैसीनो इजिप्शियाना। शेर जी, इंद्र का अखाड़ा है, इसीलिए यहाँ हर चीज का डबल भाड़ा है। आइए आइए शेर जी, यहाँ की हाथ सफाई के चक्कर में फंस गए तो बस फिर कबाड़ा ही कबाड़ा है। शेर जी, रौनक यहाँ की देख के जाओ, बढ़िया ही बढ़िया है, जन्नत का नजारा है। तो ये भी आप पहुंचे? क्या देख रहे हो रीटा? अंकल, हमारा कैसीनो सचमुच एक खूबसूरत जाल है। यहाँ शिकार खुद ब खुद अपनी मर्जी से आ फंसता है। कौन आया? वन डबल स्कॉच। एक मान दो हजार मिलते हैं, ये पेट सबों के साथ होता है। चलिए चलते काउंटर लेते हैं। आइए।
स्नेकी मास्टर। बांके लाल जी, बहुत दिन हुए, याद नहीं किया। अरे तुम जैसे हुनरमंदों को मामूली काम थोड़ी कहा जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें तुम चला देना चक्कर। आओ। अरे शेर जी, शेर जी कहाँ? आओ, आइए ना, आइए आइए आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपको एक ऐसा अजूबा दिखाया जाएगा जिसे आपने ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा। एक तेज तलवार की नोक पर एक कोमल खूबसूरत लड़की जादू के जोर से सुला दी जाएगी। मेरी आंखों में देखो, बेईमानों से मुझे सख्त नफरत है, बेईमानों से मुझे सख्त नफरत है। Sorry, ladies and gentlemen, the first item of the cabaret show.
मजा आ जाए। जरा देखो, सारे पाप की दौलत
किस तरह आपके शरीर में भरा चला आ रहा है। मन ने तो काम मली गया छे। रमी खेलो किससे? वैसे तो खेलने की हर चीज खेलू छू, पर अगर पार्टनर तुम्हारे जैसे सुंदर होवे तो सोलो खेलू छू, खाली तुम खाली हम। मंजू मंजू कट। खेलू तो छू पर तुम्हारी थी जीती नहीं सकू। वो क्यों? हूँ ताश कम तुम्हें ज्यादा देखो। क्लोजिंग टाइम प्लीज। आपने तो मेरा सब कुछ लूट लिया सेठ जी। एक खेल और खेले? मगर आप नहीं खेल सकते, कसीनो तो बंद हो रहा है। कसीनो बंद हो रहा है तो क्या, अपने दिल का कमरा तो खुला छे। जीतने का चांस देंगे ना? तो चलो अपने होटल में चलो। होटल में? हा? अकेले? ना बाबा ना, मेरा तो दिल धड़कता है। दिल तो साला अपन का भी धड़के छे, अपन तो रमी खेलेंगे ना। सिर्फ रमी ना, देखो सेठ जी आई एम अ गुड गर्ल। हूँ भी तो अच्छा सू। डोंट बी नॉटी सेठ जी। सेठ जी नहीं, मुरलीधर, खाली मुरली। मुरली? आ कैसी सुरीली आवाज है मुरली की। आ ऐसी खुशबू तो हमारे रेशम के गोडाउन से आवे छे। आई टोल्ड यू सेठ जी, मैं तो सिर्फ रमी के लिए आई। अरे मैं भी तो यही कहूँ सु मेरे मखमल के खान। अच्छा ये रमी हमेश नहीं हो सकती? हमेश? हाँ। सूरत जाकर रमी तो क्या, रमी वाली को भी भूल जाओगे। छी 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 छी, ऐसी सूरत सूरत में कहा, बम्बई तो स्वर्ग लागे थे। हम बम्बई आऊं सु रहूं सु जाऊं सु। मेरी जान रिबेका। मेरी जान रिबेका, मैं बड़ौदा से सूरत आया हूँ, लेकिन सूरत में रहकर तेरी मोहनी सूरत को तरस जाऊं हूँ। मेरी जान, तुम क्लब से 4-6 दिन की छुट्टी लेकर मेरे पास नहीं आ सकती? हर घड़ी तेरे इंतजार में मुरलीधर बंसीधर। मैं 7 अगस्त को बंबई पहुंच रहा हूं अपनी रिबेका के पास। सिर्फ तेरा मुरली। वकील साहब, आपके सेठ इन खतों में मुरलीधर बंसीधर से मुरलीधर हुए और अब सिर्फ मुरली होकर रह गए। यानी जो जो इष्ट बढ़ता जाता है, आशिक का नाम घटता जाता है। ये इश्क भी क्या क्या रंग दिखाता है। मगर सुनिए तो। सुनने लायक तो आपके क्लाइंट सेठ मुरलीधर के ये सब खत हैं। बड़े मंझे हुए आशिक मालूम होते हैं। बस एक आखिरी खत और सुन लीजिए। मेरी अपनी रिबेका, तुम बंबई छोड़कर कुवैत जाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें वहां ज्यादा पगार मिलेगी। नहीं नहीं, मैं तुमको कुवैत नहीं जाने दूंगा, तुमको कभी नहीं जाने दूंगा। अब तुम जीवन भर मेरे संग रहोगी, हमेशा के लिए मेरी अपनी। और इस पर भी आप कहते हैं कि सेठ मुरलीधर ने इसे शादी करने का कोई वादा नहीं किया? तो क्या आप मेरे क्लाइंट सेठ मुरलीधर के खिलाफ कोर्ट में दावा करेंगी? जी नहीं, हम उन्हें फूलों के हार पहनाएंगे। आप धमकी देकर अपनी बात मनवाना चाहती हैं? धमकी नहीं वकील साहब, केस कल कोर्ट में जा रहा है। आपको शायद मालूम ना हो, ये ब्लैकमेल है मिस रीटा। अगर ये ब्लैकमेल है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि सेठ मुरलीधर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस किस्म की पब्लिसिटी से उससे काफी नुकसान पहुंच सकता है। पुलिस इसे राज भी तो रख सकती है। वो रहा टेलीफोन नंबर 1-0-0।
मिस रिबेका, आप अच्छी तरह जानती हैं कि सेठ जी ने आपसे शादी का वादा नहीं किया। वादा? वो तो शादी की पक्की तारीख बताने वाले थे। क्या उन्होंने लिख कर दिया था कि वो आपके साथ शादी करेंगे? ये सब प्रेम पत्र मेरे होने वाले पति सेठ मुरलीधर ने लिखे हैं। How sweet, how romantic. आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि सेठ जी ने आपसे शादी का वादा किया था? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा मुरली मुझसे झूठ नहीं बोलता। He's so nice, so cute. सुना आपने? ये अदालत में कसम खाकर कहेगी। मैं भरी अदालत में मुरली का हाथ पकड़ लूंगी। मैं ये मामला निपटाने आया हूँ, आप लोगों को क्या चाहिए? मुझे मेरा मुरली चाहिए। और अगर वो ना मिल सके तो जैसे हमने आपसे पहले ही कहा, शादी का वादा तोड़ने की कीमत 20,000 रुपए। ठीक है मिस रीटा, आप जीती और ये लीजिए 20,000 रुपए। और आइए ऐसे नहीं, इसके लिए आपको हमारे वकील से मिलना पड़ेगा। इस लंबे झंझट की क्या जरूरत है? पैसा लो और खत दे। और ब्लैकमेल के जुर्म में 7 साल जेल जाओ। नो थैंक यू। मैं तो कहता हूँ कि आपस की बात आपस में निपट जाए तो अच्छा है। नहीं चुन्नी भाई, कानून की बात कानून से निपटे तो अच्छा है। आप कल शाम के 4 बजे हमारे वकील मिस्टर धीरूभाई पटेल के ऑफिस में मिलिए। ठीक है। वकील साहब, आप अपने निशानी वाले नोट तो भूल ही गए। कमाल है रीटा, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि वो नोटों पर कुछ निशान लगे हुए थे? 1 साल जेल में रहकर बहुत कुछ सीख लिया है रिबेका। अब मुझे पता है कि ब्लैकमेल क्या है और कानून क्या। जो चीज कानून से हासिल हो सके उसे ब्लैकमेल जैसे खतरनाक तरीके से हासिल करने का फायदा। एक्सेलेंट, वाकई तुम बिल्कुल बदल गई हो। अब वो 3 साल पहले वाले रीटा नहीं रही। राजपाल जैसे लड़के का दिल वही लड़की जीत सकती है जो हर लिहाज से लाजवाब हो। कश्मीर के लिए कल की सीटें रिजर्व हो गई है। वहां तुम्हारे रास्ते में एक छोटी सी रुकावट है और वो है सोहन लाल के मैनेजर की लड़की। तुम सुन रही हो ना? आप रुकावट की बात कर रहे थे ना? आपके होते हुए कोई भी रुकावट मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। गुड, राजपाल जवान है और जवानी में दिल बहता हुआ पानी होता है, जिसका रुख जिधर चाहो बदल लो। तुम राजपाल के दिलो दिमाग पर बिजली की तरह गिरो, उसे सोचने समझने का मौका न दो। याद रखो, हमारी जीत इसी में है कि वो तुमसे शादी कर ले, तुम उस घर की बहू बन जाओ और उस खानदान की इज्जत कहलाओ। उसी दिन से हमारा इंतकाम शुरू होगा। उस दिन के लिए मैं भी बेचैन हूँ। लेकिन इतना ख्याल रखना, राजपाल काफी खूबसूरत जवान है, लड़कियां उससे मिलने के लिए बेचैन होती हैं। लड़का मासूम नजर आता है ना, लेकिन फिर भी वो हमारा दुश्मन है। हाँ प्यारेलाल, रेखा, अगर तुम चाहो तो राजपाल का ये टट्टू पे बैठा हुआ टट्टू देखो पहले क्या सर्कस करना चाहता है। इस प्यार के खेल में हमारी काफी मदद कर सकता है। हमारे रास्ते में एक रुकावट है, बांकेलाल जो मुंह फाड़ के बियर पी रहा है। अब देखो रोज की तरह लुढ़कने वाला। ये चक्कर में है कि राजपाल उसकी बेटी से शादी कर ले, इससे अपनी दुल्हन बना ले, और ये भी सोच रहे कि खूबसूरती में मैं क्या कम हूं, ये देखो। लेकिन अफसोस है कि बेचारी के सपने पूरे नहीं होंगे। बेटा, हमारा मकसद है इंतकाम, और जब तक तुम प्यार जताकर राजपाल से शादी न कर लो
हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। Oh!
हाँ तुम्हारी तरफ देख रहा है। अब तुम्हारी तरफ आ रहा है रीटा। ओह यस ओह यस। गुड लक। जीप आपकी? बहुत अच्छा गाती हैं आप। मैं समझा ये आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती। तो किसकी हो सकती है? किसी फरिश्ते की। मैंने सोचा इन हसीन वादियों में सैर करने के लिए आसमान से कोई हूर उतर आई है। सच पूछिए तो आप भी किसी हूर से कम नहीं। आप भी काफी खूबसूरत जवान हैं। क्या ख्याल है आपका? यकीन मानिए लड़कियों के मामले में काफी खुशकिस्मत रहा हूं, लेकिन आज तक किसी हूर से वास्ता नहीं पड़ा। अच्छा हुआ, वास्ते निभाने मुश्किल हो जाते हैं। मुझे नीचे तक छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। आप इतनी सुबह अकेली आई हैं? आप जो है जीप नहीं चलाइएगा? हाँ। सामने देखकर चलाइए, कहीं आप साथ हैं मौत को सो दूर है। अजनबियों पर विश्वास नहीं किया करते। दिल कर बैठा है। ओ, जीप रोकिए। मगर क्यों? आपका दिल तो बड़ी तेजी से धड़क रहा है। कमजोर दिल वालों के साथ बैठना अच्छा नहीं। कहाँ रहती है? दिल की धड़कनों में। फिर कब मिलेंगे? जहां आप चाहे। कब? जब आप याद करें। अरे चल और चल। अरे चल मेरी बेगम, मेरी लैला, मेरी परी, मेरी हूर। घोड़ी भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। मालूम होता है औरत जात को ही मुझसे नफरत है। ए, घोड़ी खाली है? बिल्कुल खाली, घोड़ी एकदम खाली है। You sweet little fool. Thank you. आइए पधारिए, बैठिए। दूसरी घोड़ी कहाँ है? दूसरी घोड़ी? आपको इस वक्त दूसरी घोड़ी की क्या जरूरत? दूसरी घोड़ी मेरी फ्रेंड के लिए चाहिए। इडियट। अरे 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 ठहरो, अरे रोको नहीं। ओ मेम साहब मेरी घोड़ी, घोड़ी भी गई लड़की भी गई। अरे रोको नहीं रोको। ए भाई राज। प्यारे गए मारे। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। समझ गया समझ गया, बांस के पंजे में नई चिड़िया फिर आई। कौन है वो? कोई है, कोई है। पहली मुलाकात है? बिल्कुल पहली। जवान है? उसे देखकर जवानी भी शर्मा जाए। उसने तो मैं जरूर थप्पड़ मारा होगा। यही तो डिफरेंस है प्यारे। आज मैं जिंदगी में पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि मैं यू आर इन लव। बिल्कुल। वो मेरी जीप में बैठी मेरे पास। यहाँ तो दरख्त ही दरख्त हैं। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। तुमने उसे यहीं छोड़ा था क्या? इसी पुल पर। लेकिन वो थी कैसी? क्या उसके पर थे? वो क्या बादलों से उतरी थी? तुमने उसे पैदल चलते देखा था क्या? पूरे पैदल नहीं चला करती प्यारे, उड़ती है आसमान पर हवाओं में बादलों की तरह। तुम यहीं ठहरो, मैं खुद देख के आता हूँ। उड़ती है हवाओं में बादलों में। देखो वो थी तो लड़की ना। हाँ। इसमें डरने की क्या बात है, मैं खुद इंक्वायरी करके आता हूँ। मुझसे बच के जाएगी कहाँ? अरे
अरे बचाओ बचाओ, वो लड़की नहीं है, वो लड़की नहीं है। वो क्या है, वो क्या है? आपकी सांस क्यों फूल रही है? आपके लिए कितनी दूर से भाग कर आ रहा हूं। मेरे लिए? हाँ, अभी अभी आप उस पहाड़ी पर थी और अभी पहाड़ी पर? आप होश में तो हैं? शायद नहीं, आप हर जगह मुझे नजर आती हैं। शायद आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं। आंखें धोखा दे सकती हैं, लेकिन दिल नहीं। क्या फिर तेजी से धड़कने लगा? इतनी जल्दी इतने करीब आ जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। बिजली जब गिरती है तो सोचने का मौका नहीं देती। बादल अगर बिजली को पहले से निकलने ना दे तो। आज शाम को आप क्या कर रही हैं? आपकी क्या फरमाइश है? झेलम की सैर को चलें? सोचेंगे। मछली जब कांटे पर लग जाए रस्सी ढीली छोड़नी पड़ती है। मेरा ख्याल है राजपाल को आज इंतजार करने दो, उसे इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम्हें पाना इतना आसान नहीं। अरे भाई आ जाएगी, चलाओ। Have patience, जल्दी करो। थैंक यू। देखा डैडी, वो जानबूझकर मुझसे दूर भागता है, जरूर कुछ दाल में काला है। हाँ हाँ हाँ, रोना काम है बच्चों का, बिटिया मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा जितना काला है ना सब सफेद हो जाएगा। आओ बैठो शिकारे में। हाँ संभल, आ आ शाबाश, ए बैठो। आ चलो भाई, आ ये कुछ बात हुई। अबे ओ मोहब्बत के मरीज, उसे ना आना था ना वो आएगी। उस फूल को तो संभाल जब बंबई से तेरे लिए आई है। वो देख, वो और उसका बाप शायद हमें ढूंढ रहे हैं। अरे ओ बेटा राजू, अरे भाई कहाँ शिकार वाला, अरे अब जल्दी करो जल्दी करो। तुम देखना ये अपनी बेटी तेरे सर पे बांध रही है। तो पिता इसके पास में आ गया। तुम तो तेज चलाओ, क्या हो गया? चलाओ जल्दी करो। शाबाश शाबाश, बस आ गए आ गए आ गए। अरे अरे नमस्ते जी, नमस्ते। चलो 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 चलो, ए आ आ जल्दी आ जाओ। शाबाश, लो बेटी आप जरा आराम से ही आराम से ही। अच्छा आप गिर गए, कपड़े सारे गीले हो गए। कोई बात नहीं, मैं अपनी चट्टी दे दूंगा। मिल गई, मेरी मन की रानी मिल गई। मैंने कहा मियां साहब, आप कहां से आई हैं, कहां ठहरी हैं? हाउस बोट में या मोटर बोट में? यहां कब तक रहेंगी? आपके साथ कौन है? आप अकेली हैं या अपनी आया को भी लाई हैं? वापस कब जाएंगी? इतनी जल्दी क्या है, सांस तो लीजिए। मैंने सोचा एक ही सांस में पूछ लूं, सांस से क्या भरोसा कब रुक जाए। मेरा नाम पंडित प्यारेलाल है। प्यारे, हाय हाय हाय, दुख कट गए सारे। हाय प्यारे, मर जमा कुड़ी थे। मिल गई मिल गई मिल गई मेरी मंकी। क्या फैसला किया दिल ने? जिंदगियों के फैसले इतनी जल्द नहीं हो जाते। मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मेरी किस्मत का फल मीठा है, मैं जानता हूँ। आप बड़े वो हैं। आप नहीं, तुम। तुम?
मरने के बाद जन्नत की, अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में। प्यार के चांद से रात रोशन रहे, प्यार के चांद से रात रोशन रहे, फिर कोई आसमां पे सितारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। चमन के फूलों से ये कौन आया कि तुम सब हो सर झुकाए हुए, हो सर झुकाए हुए। सोच में फूल है हम मगर चल दिए, सोच में फूल है हम मगर चल दिए, फिर चमन में कभी ये नजारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे। हेलो रिटा। हेलो अंकल। अंकल ये मिस्टर राजपाल हैं। हाउ डू डू? वेरी वेल थैंक यू। आप यहीं रहते हैं? जी नहीं, मैं कश्मीर हर साल छुट्टियों के लिए आता हूँ। आई सी, इसका मतलब है कश्मीर से आपको काफी दिलचस्पी है। ऐसी कोई बात नहीं, जी चाहता है मैं हर साल यूरोप जाऊं, सारी दुनिया घुमाऊं, लेकिन लेकिन मेरे डैडी मुझे हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाने देते। ओ, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे उनकी बात माननी ही पड़ती है। ऐसी ऐसी। वैसे कश्मीर उनके ख्याल में दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। आपको नहीं लगती? दरअसल बात यह है, इसी साल कश्मीर मुझे बहुत पसंद आया। इस साल क्यों? कोई खास बात है? मेरा मतलब है मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। नमस्ते। बाय। लड़का वाकई मासूम और शरीफ है, लेकिन क्या किया जाए। इसका बाप भी ऐसे था रिटा, मेरा सबसे गहरा दोस्त, ऐसा दोस्त जिसके लिए मैंने जेल जाना तक गवारा किया था। जेल? हाँ रिटा, आज से 20 साल पहले की बात है, हम और सोहनलाल बिजनेस पार्टनर थे। एक दिन हमारा जहाज रंगून पोर्ट पर लगने ही वाला था कि पूरी तरह से पकड़े गए सोहनलाल, वो देखो पुलिस वो पीछे आ रही। मेरे ख्याल में सारा माल पानी में फेंक दो। क्या कह रहे हो, सारी जिंदगी भर की कमाई है, कुछ ऐसा सोचो कि माल भी बचा और हम भी बच जाएं। लेकिन वरना हम दोनों रंगमंजर में सारी जिंदगी सड़ते रहेंगे और हमारे बच्चे हिंदुस्तान में। तो फिर किया क्या जाए, हम दोनों में से एक को तो हिंदुस्तान पहुंचना चाहिए। तुम तो जानते हो हीरालाल, मैं अपने चाचा की सारी जायदाद का अकेला हकदार हूं। अगर मैं किसी तरह हिंदुस्तान पहुंच गया तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चे की भी देखभाल कर सकूंगा और अपने बच्चे की भी। कसूर तो मैंने किया है, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम एक काम करो, तुम किस तरह यहां से निकल जाओ, सिर्फ मेरी बीवी बच्चे का ख्याल रखना। मैं तुमसे वादा करता हूं, तो जाओ। अगर मैं हिंदुस्तान पहुंच गया तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चे की पूरी तरह से देखभाल करूं। मैं समझता हूं, मैं तुम्हारा जुर्म अपने सर पर ले लेता हूं। तो फिर मैं जाऊं? जेल काटने के बाद जब मैं हिंदुस्तान वापस आया
तुमने मुझे हमेशा झूठ बोला है, हमेशा धोखा दिया है मुझे। अगर कल तक हुंडी की पेमेंट ना हुई तो मुझे एक हीरालाल, तुम बर्मा से कब आए? अब यार सोनलाल, जहाज से उतर के सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कैसे हो? बड़ी शानदार कोठी बना ली अब तो। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैं कुछ बिजनेस की बातों में मसरूफ हूँ, तुम बाहर बैठो। मैं हाँ, मैं तुमसे बाद में मिल लूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मेरी बीवी कैसी है, मेरी बच्ची कैसी है। मैं इनसे निपट लूँ, तुम बैठो। हाँ वो तो निपट लेना। एक काम करो, किसी को मेरे साथ भेज दो, मैं घर चला जाऊँ, बाद में तुमसे मिल लूंगा। क्या बात? देखो हीरालाल, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ हैं। क्या मतलब मालूम नहीं? दरअसल मैं कुछ इतना मसरूफ रहा हूँ कि मुझे वक्त ही नहीं मिला कि किसी सूरत से मैं वक्त नहीं मिला। सोहनलाल, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी इतनी जिंदगी जेल में गुजार दी और 18 वर्षों में तुम्हें जरा सा वक्त नहीं मिला कि मेरी बीवी और बच्ची को। बहुत की, कई दफा कोशिश की, लेकिन आखिर मुझे भी तो 50 काम है, 50 उलझने। उलझन? बिजनेस? उलझन नहीं सोहनलाल, रुपए कमाने के लालच में तुम भूल गए कि तुमने मुझसे वादा। तुम एहसान फरामोश हो, तुम कमीने हो। अब तुम आ गए हो, जाओ अपने बाल बच्चों को ढूंढो, और अगर 200-400 की जरूरत है तो ये लो। मैं ढूंढूं और तुम समझते हो कि इन 200-400 रुपए में मुझे वो खोई हुई जिंदगी मिल जाएगी जो मैंने तुम्हारे लिए खो दिया, तुम्हारे लिए बर्बाद कर दिए। सोहनलाल, रिटा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सोहनलाल मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया, चाहे मैं खुद बर्बाद हो जाऊं, सोहनलाल से बदला लेकर ही रहूंगा। बस रिटा, कहीं तुम्हारे कदम न डगमगा जाए। आप तो अपने घर की सजावट में लगे हुए हैं और मेरा घर बिल्कुल सूना हो जाने वाला है। बांकेलाल, लड़की को बाप का घर एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। रस्सी जरा ढीली करो। अजी रस्सी तो मैंने बहुत ढीली रखी थी, राह ही नहीं पकड़ी, अब इंदु का क्या होगा। अजी बाप हो तुम, कश्मीर में रहकर भी तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, और यहाँ राज का फोन पे फोन आ रहा है कि लड़की उसको पसंद है, सगाई की तैयारी की जाए। तो मेरे लिए कसाई की तैयारी की जाए सेठ जी? वो लड़की हिंदू नहीं है, कोई दूसरी लड़की है। आजकल के लड़के, खैर कोई बात नहीं, लड़की राज को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आज रात यहाँ पार्टी है, चलो मेरा हाथ बटाओ। अच्छा जी, अच्छा। मुद्दतों से मेरी ख्वाहिश थी कि इस घर में बहू आए, लेकिन बहू इतनी सुंदर होगी इसका मुझे गुमान भी नहीं था। तू बड़ा खुशकिस्मत है बेटे, जाओ इसे मेहमानों से मिला। थैंक यू डैड। चलो रीता, दिस इज मिस्टर कमती कुमार। मुबारक। मिस्टर फ्रेडी, मिस्टर विलियम्स। Congratulations. Thank you, Mrs. Williams. How sweet. Ha ha ha. Sweet, Rebecca. मेरे दिल का पंछी फिर से है चहका। बता कब तक रहूं बहका बहका। ये रात बहक कैसे गेंदू? कश्मीर से तेरे साथ क्या था?
शाहजी साहब, जब कश्मीर जाने वाले हवाई जहाजों की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, वहाँ के मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, तो फिर वहाँ पर की हुई मेल मुलाकात के चक्कर का भला क्या भरोसा है? मेरे सेठ जी, सेठ जी पार्टी बड़ी जोरदार हो रही है। ऐसा लगता है जैसे इस लड़की को कहीं देखा है, पहचानी सूरत दिखती है, लड़की अच्छी है। अरे अच्छी क्या, बहुत अच्छी है, बस एक ही एक है, वाह वाह, मैं कहता हूँ जवाब नहीं इस लड़की का। बांके जे, वो हार लाए हो? राज, ये मेरी तरफ से अपनी मंगेतर को दे दो। ये डैडी की तरफ से तोहफा है। तो क्या ये हार उड़कर तुम्हारी जेब में आ गया? इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल में उसे पुलिस स्टेशन ले जाइए। नहीं, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। सेठ जी, मुझे तो कश्मीर में ही शक पड़ गया था कि इस लड़की के पीछे जरूर कोई चक्कर है। आज इस हार ने वो चक्कर पूरा कर दिया। ये वही लड़की है जो हमारे स्टोर में आज से 3 साल पहले काम किया करती थी, और आपने इसे 1 साल के लिए जेल भिजवा दिया था, और ये धमकी देकर गई थी वो जरूर बदला लेगी। वही लड़की है ये। राजू, ये लड़की जो है, शायद मैंने ऐसे क्यों चली आई? अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लो। ये क्या? जरूरी नहीं कि हर मुसाफिर को मंजिल मिल जाए। ओके राज, क्या हो गया तुम्हें? किसी ने तुमसे कुछ कहा? तुम्हारे डैडी ने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं तो? नहीं कहा तो कह देंगे। तुम डैडी से घबराती क्यों हो? जाने क्यों डर सा लगता है, जैसे वो ये शादी नहीं होने देंगे। मेरी डैडी ऐसे नहीं है। तुम ये वहम अपने दिल से निकाल दो, वो कभी इनकार नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया, तुम फिर भी मुझसे शादी करोगे? रीता, तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं। बाप और बेटे के प्यार के बीच मेरा विश्वास डगमगा गया है। इससे पहले कि तुम कोई मजबूरी बताओ, बेहतर यही है कि मैं ही तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। तुम मेरे इम्तिहान ले रही हो। मजबूरी का बहाना कमजोर इंसान लगाते हैं। मैं उन इंसानों में से नहीं हूं जो हम सफर बनकर साथ छोड़ते हैं। मैं शादी तुम्ही से करूंगा, अभी। अभी? हाँ हाँ, अभी इसी वक्त। लड़की ने यह देखकर कि राज आपका इकलौता बेटा है, सारी जायदाद का अकेला वारिस है, बस उसने भी चक्कर चला। इस चक्कर ने तो हमारे खानदान की नाक काट दी। शेर जी, नाक तो उस दिन कटेगी जब वो बहू बनकर यहां आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा।
देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है, मैं तो कहता हूँ खैरियत इसी में गुजरी कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। अगर आप चाहें तो उस लड़की को रास्ते से हटा दिया जा सकता है। ये साफ जाहिर है कि उस लड़की को आपके बेटे की परवाह नहीं, रुपए की जरूरत है। आपको रुपए की परवाह नहीं, अपने बेटे की जरूरत है। बस चक्कर तो यूं चल जाएगा। माँ, तेरी चिता के सामने खड़े होकर मैंने कसम खाई थी कि तेरी मौत का बदला जरूर लूंगी। आज मैंने उस रास्ते पर अपना पहला कदम उठाया है। सोहन लाल के बेटे से शादी कर ली है। उसने बेटी से माँ छीनी थी, मैं बाप से बेटा छीन लूंगी। सेठ सोहन लाल आपसे मिलना चाहते हैं। सेठ सोहन लाल? वेलकम सेठ जी, मुझे आप ही का इंतजार था। मैं जानती थी आप मुझे आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। अगर मुझे पहले मालूम हो जाता कि तुम वही लड़की हो जो मेरे यहाँ नौकर थी, तो मैं मंगनी कभी ना होने देता। मंगनी तो हो चुकी सेठ जी, और अब ये शादी नहीं होगी। तुम बंबई छोड़ दोगी, फिर कभी मेरे बेटे का मुंह नहीं देखोगी। शायद आप समझते हैं मैं अभी तक आपके स्टोर की नौकर हूँ। नौकर नहीं तो क्या हुआ, हर एक शख्स की एक कीमत होती है जिसपे वो बिक जाता है। आज मैं भी तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। लेकिन मैं सौदा करने के मूड में नहीं। मैं एक इंसान हूँ सेठ जी, दुकान नहीं। लेकिन आपका भी कोई कसूर नहीं, आपने जिंदगी में सिर्फ दुकानें देखी हैं, इंसान नहीं देखे। 50,000 का चेक लिख दो। 50,000 आप मुझसे ले जाइए। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000। ये लो, और आप मेरे बेटे की सूरत का भी मत देखना। कितनी अजीब बात है, जब मैं मासूम और बेगुनाह थी तो मेरी बीमार माँ के लिए 400 रुपए का एडवांस न दे सकी थी, और अब जबकि मेरे माथे पे जेल जाने का कलंक लग चुका है, आप मुझे 4,00,000 दे रहे हैं। ये मेरे जेल जाने का इनाम है या मेरी माँ की मौत की कीमत? आप जा सकते हैं। तो तुम चाहते हो कि मैं राज को सब कुछ बता दूं? आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं उसे खुद बता दूंगी कि चोरी के जुर्म में मैंने 1 साल जेल काटी है। तुम उसे कुछ नहीं बताओ, राज मेरा इकलौता बेटा है, आज तक मैंने उसकी कोई बात नहीं टाली। मैं जानता हूं कि वो तुम्हें चाहता है, अगर उसे तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। हेलो रीता। डैडी आप यहां? मैं तो समझा आप गोल्फ खेलने गए होंगे। राज, तुमने अपने डैडी को अभी तक खुशखबरी नहीं सुनाई? कल रात में घर देर से पहुंचा और आप सुबह जल्दी निकल आए। डैडी, कल रात हम दोनों ने शादी कर ली। क्या? मैंने सेठ सोहनलाल के बेटे राजपाल से शादी कर ली। शादी? ओह, फिक्र मत कीजिए, मुझे आपकी इज्जत का पूरा ख्याल है। शाम के सब अखबारों में हम दोनों की तस्वीरें छप जाएंगी। तो जाल यहां तक पहुंच चुका है, ये इसकी खतरनाक जाल है बेटा। इसे कह दो कि तुमने इसे शादी नहीं की, ये सब झूठ है। मगर डैडी ये सब सच है। ये सच नहीं है, मेरा बेटा एक चोर से शादी नहीं कर सकता। मेरी बहू के माथे पे हीरो का ताज होगा, जेल की सजा का थप्पड़ है। हाँ बेटा, ये इसका असली रूप नहीं जो तुम देख रहे हो, ये मुजरिम है, इसने 1 साल सजा काटी है। ये झूठ है, ये सब झूठ है। रीता कह दो कि सब झूठ है। ये सच है। मैं कहता हूं ये सच नहीं है। डैडी आपको धोखा हुआ है, ये मेरी रीता है, मुजरिम नहीं। अदालत में मेरा जुर्म साबित कर दिया गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डैडी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखा कितना दुख पहुंचाया है तुमने इसे,
दिल तोड़ दिया उसका। घबराइए नहीं सेठ जी, ये किसी गरीब का दिल नहीं जो एक बार टूटने पर हमेशा सिसकता रहेगा। अमीर आदमी के सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आपके पहलू में दिल होता सेठ सोहनलाल, तो उस दिन मेरे बेगुनाह आंसुओं पर पिघल उठता, मेरी बेचारगी पर रो उठता। अगर आपके सीने में दिल होता तो शायद आज मेरी माँ जिंदा होती, और शायद आज आपको अपने बेटे के दिल टूटने की आवाज ना आती। लेकिन उस वक्त आपका वक्त था और आज वक्त मेरा है। इस दिन के लिए मैंने 3 साल इंतजार किया है। 3 साल तक बदले की आग को दबाती आई हूं। आखिर आज मैंने आपके बेटे से शादी कर ली, आज से मेरा इंतकाम शुरू होता है। तुमने मुझसे शादी की है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम झूठ बोलती हो। मेरी तरफ देखो और कहो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कोई बात नहीं, तुम मेरी बीवी हो, तुम मुझे प्यार करने लगोगे। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम इनके बेटे हो। आखिर तुम्हें क्या हो गया बेटा? एक लड़की जो तुमसे बोल रही है कि वो तुम्हें नहीं चाहती, तुम इससे शादी करना चाहते हो जो कभी हमारे खानदान के काबिल नहीं बन सकती। अगर मैं आपके खानदान के काबिल नहीं बन सकती तो किसने मुझे ऐसे बनाया? आप एक शरीफ लड़की को जेल भेजेंगे और चाहेंगे कि वो फरिश्ता बनकर निकले? मैं नहीं जानना चाहता कि तुम क्या थी। रीता, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। तुम जो आज हो, भूल जाओ तुमने क्या किया था, भूल जाओ तुमसे क्या हो गया था। आज के बाद तुम एक शरीफ लड़की हो, एक शरीफ बीवी हो, एक शरीफ खानदान की बहू। ये नहीं हो सकता, ये कभी हमारे खानदान की इज्जत नहीं बन सकती। मैं इसे प्यार करता हूं, मैंने इसे शादी की, लेकिन ये चोर है, धोखेबाज है, कानून की निगाहों में मुजरिम है। वाह, चोर तुम लोग बनाओ और मुजरिम का खिताब हमें मिले। इज्जत तुम लूटो और डाकू हम कहलाए। किसी की बेबसी का मजाक तुम उड़ाओ और शैतान हम समझे जाए। नहीं सेठ सोहनलाल, मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मिन्नतें मांगी। मैं रोई थी, चिल्लाई थी, लेकिन आपने मेरे नाम से मासूमियत और बेगुनाही का पट्टा उतार कर उसकी जगह चोर और मुजरिम की तख्ती लगा दी। कानून ने जेल में मुझे एक नंबर दिया था, आज उस तख्ती, उस नंबर, उस पट्टे के साथ मैंने मोटे मोटे लफ्जों में आपका नाम भी लिख दिया है, आपके खानदान का नाम। तुम साबित कर सकते हो कि वो कभी जेल नहीं गई? मिटा सकते हो पुलिस के रिकॉर्ड में जहां चोरों की लिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ है? फर्ज करो कल तुम्हारी बीवी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए और उसको चोरों की लाइन में शिनाख्त के लिए खड़ा किया जाए, तो तुम क्या करोगे? बर्दाश्त कर सकोगे बेइज्जती? तुम चाहते हो कि मैं इसलिए खामोश रहूं कि मेरे बेटे को मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है? ये नहीं हो सकता। आज के बाद तुम उसे कभी नहीं मिलोगे और उसकी शक्ल तक भी नहीं देखोगे। मेरे डैडी शाम को पार्टी के लिए सबको इनवाइट कर चुका हूं, आपके दोस्तों को भी। तो क्या हुआ? फौरन कैंसिल कर दो, माफी मांग लो सबसे। मगर डैडी, मैंने उसे शादी की। बट नॉनसेंस, चोरों की तरह बगैर किसी को बताए छुप कर गुनाह होता है, शादी नहीं। कल तुम किसी कोठे में बैठने वाली का हाथ पकड़ लो तो क्या मैं उसे अपने घर की इज्जत समझ लूंगा? वो इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। बहू तो आपकी बन चुकी है, आपके बेटे ने भगवान के सामने उसका हाथ थामा है। मगर मैं उसे बहू मानने के लिए तैयार नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं वो इस घर में नहीं आ सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है। अगर आपका यही फैसला है तो हम यहां नहीं रहेंगे। वो बदनसीब कहलाते हैं जिनके सर से मां बाप का साया उठ जाता है, लेकिन ऐसे भी बदनसीब हैं जो मां बाप होते हुए भी उनका प्यार नहीं पा सकते। राज, मेरे बेटे, डैडी, ये है रीता के अंकल मिस्टर हीरालाल। बड़े खुशी आ रही है सोनलाल जी, कुछ महिलाएं तुमसे मिलना चाहती हैं। वो खड़ी है। तुम यहाँ कैसे? रेटा मेरी भतीजी है, दरअसल मुझे आपसे पहले मिलना चाहिए था, लड़की वालों में से हूँ, लेकिन क्या करूँ, रुपए कमाने के उलझन में वक्त ही नहीं मिला।
सुना है कि आप रंगून में थे लेकिन किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया इसलिए चले आए। यकीन कीजिए आपकी जगह मैं होता तो सब बदला जरूर लेता। ये जो आदमी तुम्हारे साथ आया है तुम इसे जानते हो? बहुत अच्छे आदमी है, मैंने कश्मीर में मिला था। क्यों, क्या बात है? ये मेरा पुराना दुश्मन। नहीं नहीं डैडी, ये तो रीता के अंकल हैं। गलत है, साजिश है रीता की। डैडी, रीता बहुत अच्छी लड़की है। रीता, ये हार कितने का है? 40,000 का, हीरो का है। जरा संभल के रहना, मुझे हार चुराने के जुर्म में 1 साल जेल भेजा गया था। सच? रीता, ये क्या कर रही हो? इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, झूठ बोला क्या? पूछ लो अपने डैडी से। भगवान के लिए चुप रह जाओ। चुप? thank you.
कैसे रहूं चुप, कैसे रहूं चुप के मैंने पी क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साफी, और जरा सी और, कैसे रहूं चुप के मैंने पी क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साफी, और जरा सी और जरा सी दे दे साफी, और जरा सी और जरा सी दे दे साफी, और जरा सी। अंकल मुझे घर ले चलिए। थैंक यू रिटा, बैठ जा गाड़ी में। ठीक रहा ना? फर्स्ट क्लास। किसी को भी शक नहीं हुआ कि मैं तुम्हें विस्की नहीं पानी मिला कोको कोला दे रही थी। खुमार अब नहीं उतरेगा, जिंदगी भर का रोग है। शाम को जो कुछ भी तुमने किया है उस पर शर्मिंदा नहीं हो क्या? कोई भी शरीफ बहू खानदान की इज्जत को यूं रुसवा नहीं करती। इज्जत? ये गरीब लोगों की जबान तुमने कहां से सीखी? राजपाल, किसी दौलतमंद किसी सेठ की इज्जत कभी रुसवा नहीं होती। इज्जत लुटती है एक 200 रुपए महवार क्लर्क की, इज्जत बिकती है एक लाचार बेसहारा गरीब लड़की की। सेठ सोहनलाल की इज्जत कैसे रुसवा हो सकती है? जानती हो उस फंक्शन में डैडी के सारे दोस्त, शहर के सब बड़े बड़े लोग मौजूद थे। डैडी को तो सारी रात नींद नहीं आई। सच? मुझे खुशी हुई, बहुत खुश हूँ सुनकर कि मेरी वजह से सेठ सोहनलाल को सारी रात नींद नहीं आएगी। तुम्हें नहीं मालूम मैंने जेल में कितनी रातें जाग जाग कर काटी। बदले की भावना अच्छी नहीं होती रीता, जो दूसरों को जलाता है खुद भी उस आग में जल जाता है। यह ख्याल दिल से निकाल दो और मेरे साथ घर चलो। अपने इंतकाम के जोश में तुम भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी भी हो। नहीं राज, मैं सेठ सोहनलाल की बहू रीता हूँ जिसने 1 साल जेल काटी है, और यही मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? तुम एक बेवफा बीवी हो, एक बेहया बहू हो, समाज और सोसाइटी के नाम पर एक बदनुमा धब्बा हो। तुम ये चाहती हो जिधर से तुम गुजरो, जिस रास्ते पर तुम चलो, लोग तुम पर उंगलियां उठाएं और कहें हाँ, और कहें कि ये है सेठ सोहनलाल की बहू। और जब मैं ये सुनती हूँ तो मेरे दिल के किसी कोने में आग उगलता हुआ तूफान थमने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी भूख से बिलकती माँ को एक रोटी का टुकड़ा दे दिया हो। मुझे महसूस होता है जैसे मेरी बीमार माँ को थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया हो, जैसे उसकी आत्मा को पल भर के लिए शांति मिल गई हो। रीता, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या यही कसूर है मेरा? कसूर? मैं भी बेकसूर थी राज, मैंने बहुत दुख झेले हैं
बहुत बुरे दिन जेल में काटे और मैं भूल नहीं सकती किसने मुझे वहां भेजा। मैं अपने दुख भूल सकती हूँ राज, लेकिन अपने माँ के दुख नहीं भूल सकती। तेरी मोहब्बत भी इन जख्मों पर फाहा नहीं रख सकती। अब कुछ नहीं हो सकता राज, कुछ नहीं। चले जाओ यहां से और फिर कभी इधर मत आना। नहीं राज, मैं तुम्हें और नहीं पीने दूँ। मैं तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी दोस्ती का कर्जदार हूँ। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इंदु, क्यों जानबूझ के अपने आप को धोखा दे रही हो? किसी को अपना बनाकर धोखा देने से खुद धोखा खा लेना अच्छा है। हो सकता है ये धोखा कभी हकीकत बन जाए। तुम अनहोनी बात सोच रही हो। रीता तुम्हें धोखा देगी ये बात कभी तुम्हारे लिए अनहोनी थी, मगर आज ठीक है। अगर उसकी यही तमन्ना है तो यही सही। चलो चले। इसे गाड़ी तक पहुंचा दो। जी। करना
सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा, सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा, यही उसको मिटने से पहले दुआ दे जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। बात है रेटा, किस सोच में? जी कुछ नहीं। कोई बात तो जरूर है जिस तरह उदास बैठी हो। तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। आपसे? मैं जानता हूँ बात क्या है। रात दिन भर तुम्हारा पीछा करता रहा था और तुम उससे मुंह फेर लेती हो। क्या सचमुच तुम उससे नफरत करती हो? आपको शुबा है? अरे क्या, औरत का दिल बड़ा कोमल होता है, वो खुद मिट जाती है, किसी को मिटा नहीं सकती। इसलिए डरता हूँ कि। किस बात का डर? डरता हूँ कहीं मोहब्बत इंतकाम पर काबू न पा ले। ये वक्त बड़ा नाजुक है रेटा, तुम्हारी एक कमजोर निगाह हमारे सारे खेल को चौपट कर सकती है। घबराइए नहीं, वो निगाह राज को कभी नहीं मिलेगी। शेर जी, मैंने आपका नमक खाया, मैं तो आपके फायदे की ही सोचूंगा। याद है, रीता को रास्ते से हटाने के लिए आप 4 लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने ये सारा इंतजाम 1 लाख रुपए में कर लिया है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तुम्हारी सब बातें बांस की तरह खोखली हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं 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 सेठ जी, आप जरा जरा से काम के लिए कष्ट करेंगे, लानत है मुझ पर। एक खूबसूरत चेहरे का तो झमेला है, आज रात को ऐसा चक्कर चला देता हूँ कि चेहरा खूबसूरत ही नहीं रहेगा। तो बस रात के 12 बजे तक सब काम ठीक हो जाना चाहिए। स्नेकी, ये लो 1 बजे की फ्लाइट का सिंगापुर का टिकट, ये पासपोर्ट, और ये वहां के बैंक का 90,000 रुपए का ड्राफ्ट, और ये है 10,000 रुपया कैश एडवांस। असली है सेठ। हाँ हाँ, सब काम ठीक हो जाना चाहिए। घबराओ मत सेठ, मुझे भी एक पुराना हिसाब चुकाना है। ये लो, अगर इसकी जरूरत पड़े तो इससे भी काम ले लेना। चलेगा, स्नेकी का डसा पानी भी नहीं मांगता सेठ। Get
हैप्पी एनिवर्सरी। इस सालाना फंक्शन के ऊपर ये केक हमारी तरफ से तोहफा पेश किया जाएगा। रीटा देवी ने ऐसे बहुत से केकों की खूबसूरती खराब की होगी। ये केक उन सब केकों का इंतकाम देगा जब रीटा देवी के हाथ से ये छुरी इस केक पे चलेगी तो बलून फटेगा और रीटा देवी का चेहरा वाह 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 क्या लग रही हो। ऐसा लगता है कि चौदहवीं का चांद मेकअप रूम में मेकअप कर रहा है। ओफो, बोर मत कर, शो का टाइम हो गया। वेट 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 वेट, आई विल हेल्प यू। वेट वेट, प्यारी चलो। प्यारी कौन है बे? ये सारे पैदरों कौन है? इस लंगूर को बंद कर दो। ये आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इन्होंने बहुत कुछ देख लिया मगर कुछ नहीं देखा। ये होंठ बहुत खूबसूरत हैं, बंद होंठ कितने अच्छे लगते हैं। अगर ये होंठ खुले तो इसका मुंह भी खुल जाएगा। चलिए स्टेज पे, आपके बगैर महफिल सोई। आज थम के
सेठ हीरालाल जी, इस शुभ घड़ी में अब देर मत कीजिए। रीटा के हाथ से केक कटवा के सबका मुंह मीठा कीजिए। रीटा देवी, केक काटिए। मत काटिए केक। केक काटना पड़ेगा। मत काटो। केक काटना ही पड़ेगा। सब रास फांस गया। तुम हीरा लाल को संभालो, मैं रीटा को खींचा। ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। रुक जाओ वरना गोली से उड़ा दूंगा। डंग से नहीं बच सकती। जिस हुस्न पे तू इतराती थी, जिस चेहरे पे तुझे नाच था, ना ये हुस्न रहेगा, ना ये चेहरा रहेगा।
गिव इट टू मी। गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये तो मैं भी समझता हूं सेठ जी के राज बेकसूर है, लेकिन अगर वो कुछ बताएगा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। उसका कॉपरेट करना बहुत जरूरी है। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? किसी का खून अपने सर पे ले रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं नहीं बेटा, तुमने सच सच क्यों नहीं कह देते? कह दो उन्हें कि खून तुमने नहीं किया। खून मैंने ही किया डैडी। तुम झूठ कहते हो, तुम जानबूझकर मुझे। मैं जानबूझकर ये खून अपने सर पर ले रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक बाप की दौलत में ही बेटे का हिस्सा नहीं होता, बल्कि बाप के हर अच्छे और बुरे कर्म में भी उसका हिस्सा होता है। हमें रीता का बहुत बड़ा खर्च चुकाना है। अगर मेरी जान जाने से हमारी भूल सवर सकती है, अगर मेरे फांसी पर चढ़ जाने से हमारे गुनाहों का बोझ हल्का हो सकता है, अगर मेरी मौत से रीता को एक नई जिंदगी मिल सकती है, तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। राजपाल, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तुमने इकबाल किया है कि 14 दिसंबर की रात को 12:25 पर कैसीनो जिप्सियाना में स्नेकी नाम के एक आदमी पर तुमने गोली चलाई, जिसकी वजह से मौका वारदात पर ही उसकी मौत हो गई। अदालत ये जानना चाहती है कि ये बयान तुमने किसी मजबूरी या दबाव से तो नहीं दिया? जी नहीं, मैंने ये बयान अपनी मर्जी से और अपने होश हवास में दिया है, और मैं इकरार करता हूँ उस आदमी पर गोली मैंने चलाई। ये झूठ है नीलाज। मैंने स्ट्रिक्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिस रिवाल्वर से गोली चली उस पर मुख्तलिफ हाथों के निशान, जिस पर कुछ निशान रीता देवी के हाथों के, जिसे राजपाल ने अपने हाथों से मिटाने की कोशिश की। साफ जाहिर है नीलाज, गोली चलने के बाद रिवाल्वर छीनी गई सिर्फ इसलिए कि कातिल का जुर्म अपने सर पर ले लिया जाए। ये गलत है, मैं किसी का जुर्म अपने सर पर नहीं ले रहा, मैं कातिल। एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार कहूंगा कि मैं कातिल, और मेरे सिवा कोई नहीं। इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्या कर रही हो? गोली मैंने चलाई थी, कातिल मैं हूँ। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। बैठ जाओ बेटा। अंकल छोड़ दीजिए मुझे। तुम बैठ जाओ बेटा। योर ऑनर, मैं राजपाल की बीवी हूँ। मैंने राज से शादी की इसलिए नहीं कि मैं उसे प्यार करती थी, इसलिए कि मैं उस खानदान की इज्जत नीलाम करना चाहती थी जिसने कभी मेरी इज्जत का मजाक उड़ाया था। मैंने राज से प्यार जताया क्योंकि मैं उसके डैडी से बदला लेना चाहती थी, लेकिन माय लॉर्ड, राज सचमुच मुझसे प्यार करता था। उसने अपने डैडी की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की, मेरे लिए अपने खानदान के नाम इज्जत शोहरत तक की परवाह न की। राज आज भी मुझसे प्यार करता है, और यही वजह है कि वो जानबूझकर मेरा जुर्म अपने सर ले रहा है। असलियत ये है कि गोली मैंने चलाई थी, कातिल मैं हूँ, राज बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर है। बिल्कुल झूठ। रीता बचपना मत करो, अदालत से कहो जो कुछ तुमने कहा गलत है। नहीं अंकल, वो बेगुनाह है, प्लीज सेव, प्लीज सेव। सोहनलाल हमारा दुश्मन है, राजपाल भी हमारा दुश्मन, क्योंकि उसका बेटा है। नहीं, अब वो सिर्फ राज है, मेरा राज। मिस्टर मेहरा, योर ऑनर, रीता राजपाल की पत्नी है। पति पत्नी में जज्बाती रिश्ता होता है, मगर कानून जज्बात पर नहीं वाकयात की रोशनी में इंसाफ करता है, इसलिए रीता देवी के बयानात को कोई अहमियत नहीं दी जा सकती। पॉइंट इज नोटेड। केस इज एडजॉर्न फॉर द डे।
राज के बगैर वो घर घर नहीं रहा। एक अजीब सन्नाटा है वहां, दीवारें भी जैसे पूछ रही हूं कि राज कहां है, कहां छोड़ा आए हो उसे। तुम नहीं जानती बेटा, राज इतना सा था जब उसकी मां मर गई थी। मैंने आज तक उसे मां की कमी महसूस होने नहीं दी। उसने जो मांगा, जो चाहा, ला कर दिया, हर जिद पूरी की। लेकिन मुझे मालूम होता कि वो मेरी एक ना कि मुझे इतनी बड़ी सजा देगा तो मैं उसकी ये जिद भी पूरी कर देता, माफी मांग देता तुमसे। एक अरमान था राज की शादी हो, बहू आए, सुने घर में बाहर आ जाए। और बदकिस्मती मेरे घर में लक्ष्मी आई और मैंने उसे ठुकरा दिया। तुम देवी हो बेटा, जो मेरे गुनाह माफ कर दिए तुमने, लेकिन भगवान इस गुनाहगार को सजा दे रहा है। मैंने तुमसे तुम्हारी मां को छीन लिया, आज वो मुझसे मेरा बेटा छीन रहा है। ऐसा लगता है कि आज मैं अपना सब कुछ लुटाया। न मालूम दिल क्यों कहता है कि राज हमसे हमेशा के लिए रूठ गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। चलो बेटा, तुम हमारे घर की बहू, चलो अपना घर संभाल लो, माफ कर दो उस गुनाहगार को। तुम्हारे कदमों से घर में रोशनी आ जाएगी बेटा, हो सकता है भगवान हमारी सुन ले और आज हमें वापस मिल जाए। ये मेरी माँ, तुम यहां बैठो, मैं अभी आता हूं। हीरालाल सेठ हैं, दोस्त के पास आना ही पड़ा। अच्छा क्या तुमने, मुसीबत में दोस्ती तो दोस्त के काम आते हैं। देखो ना, तुम्हें बचाने के लिए दोस्ती के खातिर मैंने अपनी जवानी जेल में खो दी, और जब वापस आया तो किस खूबी से तुमने दोस्ती निभाई थी, याद आ रहा है कुछ? ये मुझे शर्मिंदा करने का बात। शर्मिंदा? शर्म और भरोसे से तुम्हारा क्या बात? आज भी तुम यहां आए हो अपनी गर्ज से। तुम जानते हो कि तुम्हारा बेटा बेकसूर है, ये भी समझते हो कि शायद खूनी का पता मुझे होगा, और अब ये भी जान जाओगे कि अगर मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई थी तो दुश्मनी भी निभा सकता हूं। सोहनलाल, मुझे इससे दिन का इंतजार था, मुझे यकीन था कि एक न एक दिन वक्त में घेर कर मेरे पास ले आएगा, और अब जब तक तुम्हारा बेटा, तुम्हारा इकलौता बेटा फांसी पर न चढ़ जाए तब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। चले जाना। देखो हीरालाल, मैं अपने किसी मतलब के लिए नहीं आया यहां, ना ही अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आया। किस्मत ने एक अजीब खेल खेला है हम दोनों के साथ। आज मुझे मालूम हुआ कि तकदीर और दोस्ती में कितना गहरा ताल्लुक है। अब यह जरूरी हो गया हीरालाल कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं। हटाओ इस हाथ को, इससे खुदगर्जी की बू आ रही है। आज तुम्हारे बेटे के सर पर मौत मंडला रही है, इसलिए दुश्मन की तरफ भी तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। अब तक कैसे भूल गए थे कि मेरी भी एक बच्ची थी जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुमने खुद अपने ऊपर ली थी दोस्ती की खातिर। कम से कम ये हाथ उसके सर पर तो रख सकते थे, मेरी बीवी और बच्ची को ठोकरे खाने से तो बचा सकते थे। आज कहां है वो लोग?
मैं पूछता हूँ कहाँ है वो लोग? इसका जवाब है तुम्हारे पास? हाँ है, इसीलिए तो मैं आया हूँ तुम्हारे पास। यही खेल तो खेला है तकदीर ने हमारे साथ। मैंने हमेशा तुमसे कुछ ना कुछ छीना है। आज भी अनजाने में तुम्हारी बेटी छीन ले जाता अगर उसके हाथ में ये तस्वीर ना होती। कौन सी तस्वीर? मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बीवी आज जिंदा नहीं। और मेरी बेटी? वो ऊपर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। किसी लड़की को देखा तुमने? कौन लड़की? जो ये तस्वीर लेकर आई थी। ये तो मेरे पास थी। क्या मतलब? ये तुम्हारे पास कैसे? ये तो बचपन से ही मेरे पास है, मेरी और मेरी माँ की तस्वीर। यानी ये तुम और तुम्हारी माँ? हाँ, लेकिन बात क्या है? बात ये है कि जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था वो तुम हो। तुम मेरी बेटी, मेरी बेटी। मिस्टर हीरालाल, पुलिस के बयान के मुताबिक स्नेकी के कत्ल और हीरे स्मगल करने के जुर्म में आपने अपने आप को कानून के हवाले किया है, क्या ये दुरुस्त है? यस सर ऑनर, अगर चार साल पहले का पुलिस रिकॉर्ड देखा जाए तो 27 सितंबर 1964 की रात एयरपोर्ट से जो स्मगलर पुलिस के हाथों से भाग निकला था वो मैं हूँ। मैं इस जुर्म का इकरार करता हूँ और ये भी इकरार करता हूँ कि स्नेकी पर गोली मैंने चलाई। जिस रिवॉल्वर से स्नेकी का खून हुआ उसके घोड़े पर सिर्फ मेरी उंगलियों का निशान है। अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मैं उस वक्त गोली न चलाता तो रीटा की जान खतरे में थी। मैंने एक मासूम जान बचाने की खातिर गोली चलाई। अगर अदालत मुझे सजा का हकदार समझती है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मुकदमे की नौयत और हालात की रोशनी में अदालत हीरालाल को स्नेकी के कत्ल के जुर्म से बाइज्जत बरी करती है, मगर हीरे स्मगल करने के जुर्म में 1 साल कैद बामुशक्कत और 20,000 जुर्माने की सजा देती है। जुर्माना अदा न होने की सूरत में कैद की मियाद 2 साल होगी। तो रोती क्यों है पगली? ये सजा तो मैंने अपनी खुशी से ली है। अब तू तो खुश नसीब है, तुझे राज जैसा पति मिला। शादी के बाद बेटी को माँ बाप का नहीं पति का प्यार चाहिए। राज, दुनिया में मेरा जो कुछ है मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसने जो कुछ किया उसका जिम्मेदार मैं हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे शर्मिंदा न कीजिए। सोनलाल, हीरालाल, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ करना। जहाँ 20 साल दोस्ती की नजर की है वहाँ 1 साल और। अब हम सिर्फ दोस्त ही नहीं रिश्तेदार भी हैं। ये तो मैं नहीं मानता सोनलाल। जब तक तुम्हारे घर एक बच्चा नहीं होता जो तुम्हें दादा कहे और मुझे नाना कहे तब तक हम रिश्तेदार नहीं हुए।